उधर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पाप पर कड़ा प्रहार करते हुए नापाक फायरिंग का कड़ा जवाब दिया है। पीओके के कोटी सेक्टर में पाकिस्तान के 4 सैनिक मार गिराए गए। पाकिस्तान के सपोलों के फन कुचले, जैश मोहम्मद के 6 आत्मघाती मारे गए। हिंदुस्तान में नापाक कदम मत रखना आतंकियों, हमारे घर में घुसोगे तो मारे जाओगे। देखिए कैसे सेना के जवान सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की हैं। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकवादी जैश मोहम्मद के हैं। ये देखिए, सेना ने बड़ी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया है। देश के अंदर आतंकवादी और उनके हैंडलर्स नई रणनीति अपनाकर कई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। हम इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने साफ कर दिया है कि आतंक के सफाई का काम प्रगति पर है, अगर नापाक कदम रखोगे तो मारे जाओगे। अमन के अड़ंगेबाज अलर्ट हो जाएं। एक्सचेंज ऑफ फायर में 6 टेररिस्ट मारे गए, जिस 5 बॉडीज मिल गई हैं, 6 को सर्च किया जा रहा है। और ये जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं और खबर ये थी कि ये सुसाइड अटैकर हैं। हमारी फोर्सेस अलर्ट हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। आतंकवादियों के एनकाउंटर पर पूरा देश गर्व कर रहा है और सुरक्षा बलों के पराक्रम की तारीफ कर रहा है। सर, आज जैश मोहम्मद के आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, 5 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। तो हमारे सारे सेना और सुरक्षा के जवान बधाई के पात्र हैं। आवर सक्सेस रेट ऑन वेरियस ऑपरेशंस अगेंस्ट द टेररिस्ट आर वेरी सक्सेसफुल। आई कॉम्प्लीमेंट आवर फोर्सेस फॉर दैट। भारत माता की रक्षा जिस प्रकार से हमारे सैनिक करते हैं, हमें उन पर गर्व है। सुरक्षा बलों ने 2017 से अब तक 218 आतंकवादियों को भी ढेर किया। इस साल अब तक 11 आतंकी मारे जा चुके हैं। कश्मीर में आर्मी ने ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है। सुरक्षा बल चुन चुन कर आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान के पाप पर प्रहार, सरहद के हैवानों को मृत्यु दंड, एक के बदले पाकिस्तान के 4 जवान मारे। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में मातम, सेना प्रमुख की चेतावनी, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सेना के जवान सरहद पर चौकन्ने हैं, हर गोली पर भारत के खिलाफ नापाक साजिश करने वालों का नाम लिखा है। सरकार से लेकर सेना के आलाकमान ने साफ कर दिया है कि अब और नहीं कहकर बदला लो, एक के बदले 10 चाहिए, तभी सुधरेगा पाकिस्तान। भारतीय सेना के जवानों ने सरहद पार हैवानियत दिखाने वाली पाकिस्तान की बैक और नापाक फायरिंग करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पीओके के कोटली सेक्टर में पाकिस्तान के 4 सैनिक मार गिराए हैं। वहीं इस कार्रवाई में पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान हुआ है। बार बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में मातम मच गया है। शनिवार को पाकिस्तान ने एलओसी पर नापाक फायरिंग की, जिसमें लांस नायक योगेश मुरलीधर भड़ाने शहीद हो गए थे, जिसके जवाब में सेना ने यह कार्रवाई की है। आर्मी डे के मौके पर सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रखते हुए आतंकवादियों की घुसपैठ में सहायता करने के प्रयास करती रहती है। हम विरोधियों को सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। सेना प्रमुख ने इशारों में पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर जरूरत हुई तो सर्जिकल स्ट्राइक से भी पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा भी पहली बार देखने को मिला है कि घबराए पाकिस्तान ने मान लिया कि उसके 4 सैनिकों का काम तमाम हो गया है। पाकिस्तान के चैनलों में भारतीय शौर्य की खबर की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। 2017 में पाकिस्तान ने 881 बार सीज फायर तोड़ा। 2017 से अब तक पाकिस्तान के 138 सैनिकों को मार गिराया गया है।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।